हेलो रोबोटिक गाइस, आज मैं जा रहा हूँ आपको बताने फानुक रोबोट के इंटरपोलेशंस के बारे में। इंटरपोलेशंस क्या होता है, जैसे कि आप देखते होंगे मोशन टाइप जिसे हम बोलते हैं आजकल, जैसे कि जॉइंट, लीनियर, सर्कुलर, ये सब क्या है, मोशन टाइप्स हैं। इनको हम लोग कई बार इंटरपोलेशंस भी बोलते हैं। अभी जैसे ही मैं आपको अपने सिस्टम पर रोबोट को और टीच पेंडेंट को दिखाऊंगा, तो उससे पहले आपको ये बेसिक नॉलेज देना जरूरी है, तभी आप वहाँ पर वो सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो जैसे कि स्टार्टिंग में पहले दिया हुआ है जे, जो यहाँ पर हमें मिलेगा वो हमारा हमेशा मोशन टाइप रहेगा। वो जॉइंट में भी हो सकता है, अगर जॉइंट में होगा तो जे शो करेंगे, लीनियर होगा तो एल से शो करेंगे, अगर सर्कुलर होगा तो उसे हम सी से शो करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा पी। पी क्या है, पी एक तरीके से क्या है, पोजीशन टाइप है, जिसके अंदर उस पोजीशन की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि वो कितने कोऑर्डिनेट पर है, एक्स कितने एक्सिस पर है, वाई कितने एक्सिस पर है, जेड कितने एक्सिस पर है, तो वहाँ पर ये सब वैल्यूज जो रहेंगी उसकी वो रजिस्टर रहेंगी। फिर आप देख पा रहे होंगे ब्रैकेट के अंदर 1 दिया हुआ है, ये क्या है, पोजीशन नंबर है। बेसिकली ये क्या है, सिर्फ एक सिक्वेंस नंबर दिया हुआ है उस पोजीशन टाइप को। फिर हम उसके आगे आते स्पीड पर, ये जो 50% आप देख पा रहे हो, ये 50% क्या है, एक स्पीड है, ये बेसिकली हमारे जॉइंट में परसेंट में रहेगी, लीनियर सर्कुलर में mm पर सेकेंड या फिर डिग्री पर सेकेंड में रहेगी। अब है सेकेंड लास्ट टर्मिनेशन टाइप। टर्मिनेशन में क्या रहता है, फाइन रहेगा और सी एन टी क्या है, कॉन्टीन्यूस। इसकी वैल्यू जो रहती है बेसिकली वो 0 से 100 तक ही रहती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि सी एन टी और फाइन में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यह है कि मान लीजिए आपने एक एल टाइप की वेल्डिंग बनाई है जिसके अंदर आपने 3 पॉइंट लिया, 1, 2, 3, जिन तीनों को मिलाकर हमारा एक एल बन रहा है। अगर वो फाइन सेट रहेगा हमारा पोजीशन, मतलब इस पूरे पॉइंट के अंदर, तो वो क्या करेगा, पूरा एल की तरह ही वेल्डिंग मारेगा। अगर हमने कॉन्टीन्यूस सेलेक्ट कर दिया और उसकी वैल्यू 0 से लेकर 100 के बीच में अगर हम वेरिएट कराते हैं, मान लीजिए 100% रख दी, तो क्या करेगा, वो एल तो बनाएगा बट क्या करेगा, जो उनका जॉइंट पॉइंट रहेगा ना फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का, एल शेप ना बनाने की जगह उसको क्या बनेगा, कॉर्नर ना बनाने की जगह वो क्या करेगा, वहाँ से थोड़ा कर्व ले लेगा कॉर्नर से। तो जिस वजह से ये इफेक्ट पड़ता है हमारा सी एन टी को यूज़ करने के बाद। अब आते हैं हम लास्ट एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन को यूज़ किया जाता है अगर आप चाहते हो कि और भी ज़्यादा आपकी हाई स्पीड हो, उसे कंट्रोल करने के लिए, तो आप क्या करोगे, एक्सीलरेशन को यूज़ कर लोगे। मैक्सिमम जो बच्चे हैं इंडस्ट्री के अंदर यही गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो जॉइंट को एज ए लीनियर वेल्डिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, या फिर हैंडलिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं जॉइंट को एकदम लीनियर वे में यूज़ करने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, हमेशा जब आप जॉइंट को यूज़ कर रहे हो तो वो हमेशा क्या होगा, एयर पॉइंट के लिए यूज़ करेगा। क्यों, क्योंकि रोबोट का जो माइंड है वो हमेशा क्या करता है, शॉर्टेड डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से। अगर आप जॉइंट यूज़ कर रहे हो तो उस केस में, अगर आप लीनियर यूज़ कर रहे हो तो हमेशा वो क्या करेगा, एक डिफाइंड पाथ पर ही चलेगा। आपने एक पॉइंट दिया फिर सेकंड पॉइंट दिया, तो उसी पॉइंट तक एकदम स्ट्रेट लाइन में वर्क करेगा। तो ये सिर्फ इसी तरीके से वर्क करता है, जो कि मेरे को आपको समझाना था। अभी मैं आपको रोबोट के और टीच पेंडेंट के थ्रू समझाता हूँ ये किस तरीके से वर्क करते हैं। आप टीच पेंडेंट के अंदर देख पा रहे होंगे ये सारे मेरे जॉइंट पॉइंट्स हैं, मैंने सारे जॉइंट पॉइंट्स लिए हुए हैं फाइन के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है मेरा रोबोट का, मैंने एक टेबल ली हुई है, एक टेबल के साथ एक रोबोट है, मैनिपुलेटर है फानुक का। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से जब हम जॉइंट ले रहे हैं तो वो रोबोट का कंट्रोलर किस तरीके से रोबोट से वर्क करा रहा है, वो एक स्ट्रेट पाथ ना लेके एक कर्व पाथ ले रहा है, और जब मैं लीनियर ले रहा हूँ तो वो किस तरीके से रोबोट को कमांड दे रहा है कि भाई तुम इस तरीके से वर्क करो इसको। देखिए ये सारे मेरे पॉइंट्स लिए हुए हैं, मैंने जी पॉइंट्स लिए हुए हैं, जी मीन जॉइंट पॉइंट्स लिए हुए हैं सारे। अभी मैं पूरा प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से रोबोट को कमांड दी जाती है कंट्रोलर के थ्रू, कि आप जब जे पॉइंट मैंने यूज़ कर रहा हूँ तो किस तरीके से वर्क करेगा, जब लीनियर यूज़ कर रहा हूँ तो किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि जे पॉइंट को चेंज करना, तो आप देख पा रहे हो डिस्प्ले के अंदर चॉइस का ऑप्शन है, चॉइस पे जैसे ही आप चॉइस पे सेलेक्ट करोगे तब जॉइंट, लीनियर, सर्कुलर, सर्कल, आर्क आपको करके ये डिफाइन कर देगा। जो भी आपको चेंज करना है आप उस पे लाइए, सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए, तो आपको वो पॉइंट वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं आपको क्या जा रहा हूँ, एक तरीके से रन करने जा रहा हूँ। आप फॉरवर्ड बटन देख रहे होंगे, इस फॉरवर्ड बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो पूरा रन करने लगेगा। अब ये देखिए रोबोट वर्क कर रहा है। अभी जो हम वर्क कर रहे हैं वो बेसिकली किससे वर्क करवा रहे हैं, जॉइंट पॉइंट में वर्क कर रहे हैं। तो आप देखिएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट वेल्डिंग है, बट रोबोट को कंट्रोलर के थ्रू कमांड किस तरीके से मिल रही है, देखिए ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पाथ ना जाने की जगह एक कर्व पाथ जा रहा है, और जाकर बिल्कुल एंड पॉइंट पर, देखिए जाकर बिल्कुल एकदम करेक्ट एंड पॉइंट पर पहुंच जाएगा।
तो सेम इसी तरीके से देखिए, फिर ये यहाँ पर जा रहा है, एक स्ट्रेट पाथ नहीं ले रहा है, ये क्या कर रहा है, एक कर्व पाथ को ले रहा है। तो मैं आपको हर एक एंगल के थ्रू इसको दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंड हो पाए जब आप रोबोट को ऑपरेट करें। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये हर तरीके से जब जॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, बिल्कुल एकदम चेंज कर दे रहा है अपनी पोजीशंस को। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको लेने में ट्राई करने के लिए अब हम इसके पॉइंट्स को चेंज कर देते हैं, वही सेम तरीका जो मैंने आपको पहले बताया। क्या करना है आपको, सिर्फ पहले कर्सर से उस पॉइंट पर लेके आना जिसको आप चेंज करना चाहते हो, उसे लाने के बाद जस्ट राइट हैंड साइड लाना, फिर चॉइस ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। चॉइस के बाद जो भी पॉइंट आप चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ मैंने लीनियर पर क्लिक किया, लीनियर पर क्लिक करने पर आप देख पा रहे होंगे कि 100% से वो किस में चेंज हो गया है, 2000 mm/s के अंदर, और फाइन है ही, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको, ऐसे ही स्पीड चेंज करनी है, तो चॉइस में जाकर जो भी पैरामीटर आप चेंज करना चाहते हो स्पीड का, उस पैरामीटर को आप चॉइस कर लीजिए वहाँ से, फिर वापस लाइए, फिर अगला पॉइंट चेंज कर लीजिए। तो सेम प्रोसेस रिपीट करना है सभी के लिए। आप देख पा रहे होंगे मैं टच पैड के थ्रू से कर्सर से चेंज किया जा रहा हूँ, और आप देख पा रहे होंगे जो उसका पोजीशन पॉइंट्स थे वो भी चेंज हो रहे हैं। तो अब उसको क्या करिए, एंटर करने के बाद अब उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर अपना प्रोग्राम जैसे ही फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम इस तरीके से रन करने लगेगा। अब लीनियर और जॉइंट में डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए, हर एंगल से दिखाऊंगा, वो कर्व पोजीशन पर ना जाने की जगह क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट पोजीशन में ही रन कर रहा है। अगेन मैं अगला एंगल दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, एकदम स्ट्रेट बिल्कुल लाइन पर जा रहा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं आ रहा है जहाँ वो कर्व ले। तो यही बेसिकली डिफरेंस है अगर हम जॉइंट यूज़ करते हैं या लीनियर यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर अगर जॉइंट यूज़ कर रहे हैं एज अ लीनियर वेल्डिंग, तो कभी भी वर्क नहीं करेगा, वो क्या करेगा, या तो कर्व पाथ पे जाएगा, बहुत शॉर्टेज डिस्टेंस पे जाएगा। अगर आप वेल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी, आपकी अच्छी वेल्डिंग नहीं आएगी। अगर आपको स्ट्रेट वेल्डिंग करानी तो आपको लीनियर पॉइंट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई सेशन में डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, बाय बाय।